कांग्रेस के पास समय था कि वो बिल लाती और तांती तत्वा को पान बना देती। तो हमारा सबसे पहला और बड़ा दुश्मन कौन है? कांग्रेस है। वो जो चिट्ठी में तकनीकी गलतियां रह गई थी, उस चिट्ठी को सुधार सकते थे, उनके पास से मौका नहीं था। तो हमें लालू जी ने भी ठगा है। और सबसे बड़ा गुनाह नीतीश जी ने किया कि हम प्राप्त हो चुके थे कि हम पान है, तांती भूल गए थे। ये रिव्यू पिटीशन डालते थे, सारी चीजें होती है। तो न हमें कांग्रेस छोड़ा, न राजद छोड़ा, न जदयू छोड़ा, न भाजपा छोड़ा। तो हम पहले पान है। हम कौन है? पहले हम पहले पान है, तब हम कांग्रेसी हैं, तब हम भाजपाई हैं, तब हम राजद के हैं, तब हम जदयू के हैं। हमें अपने पार्टियों की गुलामी छोड़नी होगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। खाको रथ हम पान है के तहत एक पान आंदोलन की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पान समाज यानी कि ताती तत्वा को आरक्षण वापस देने की मांग की गई है। इस आंदोलन को लेकर आज इसकी शुरुआत की गई है, भीती हरवा से इसकी शुरुआत की गई है। और इस दौरान जो आईपी गुप्ता, इंजीनियर आईपी गुप्ता, उन्होंने ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने ठगा है, आरजेडी ने ठगा है, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने ठगा है, बीजेपी ने ठगा है। लेकिन 2025 में जो पान समाज के साथ नहीं है उसे पछताना पड़ेगा और 2025 में इसका जवाब दिया जाएगा। 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री पान समाज ही तय करेगा। क्या कुछ कह रहे हैं, मंच से खूब गरज रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। सत्याग्रह आंदोलन ने राजेंद्र बाबू को जन्म दिया, ब्रिज बिहारी प्रसाद जी को जन्म दिया। ये वही धरती है और ये वही आंदोलन है कि आचार्य कृपलानी जैसे महान लोगों को इस चंपारण के सत्याग्रह आंदोलन ने जन्म दिया था। मैं जब ये पटना में था और जब मैंने सोचा कि कहां से हम ये चालू करें आंदोलन, तो 99% लोगों ने कहा था कि हम ये चंपारण की धरती बापू की कर्मभूमि से करेंगे। आज वो दिन आ गया कि हम यहाँ के रथ को यहां से लेके पूरे बिहार में यहां से हम चलते हुए पूरे बिहार जाएंगे, पूरे बिहार घूमेंगे और आखिरी रैली हमारी बिहार की रैली 23 मार्च को गांधी मैदान में होगी। आखिर हाके और हम पान क्यों है? अभी मैं आ रहा था, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि सर आप अपने गाड़ी से कांग्रेस का झंडा हटा लीजिए। बहुत लोग कह रहे थे, ये छोटी छोटी बात को ये नहीं समझते लोग। मैं कहता हूं कि 1968 में जो बिल आया था जिसमें कांग्रेस की सरकार थी और जेपीसी माना था कि हम तांती तत्वा ही पान है, लेकिन 60 बरस कांग्रेस के पास समय था कि वो बिल लाती और तांती तत्वा को पान बना देती। तो हमारा सबसे पहला और बड़ा दुश्मन कौन है? कांग्रेस है। मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने अधिकार की बात नहीं करें, हम कांग्रेस को दोषी नहीं बनाए। 1992 में 3 महीना के लिए लालू जी ने हमें बनाया, तांती तत्वा को पान बनाया। 3 महीना के बाद उन्होंने वापस कर ली वो चिट्ठी, और वो चाहते तो 15 साल तक मुख्यमंत्री थे श्री लालू प्रसाद यादव जी। अगर वो चाहते तो वो जो चिट्ठी में तकनीकी गलतियां रह गई थी उस चिट्ठी को सुधार सकते थे, उनके पास से मौका नहीं था। तो हमें लालू जी ने भी ठगा है। पहले कांग्रेस ने ठगा, बाद में किसने ठगा? लालू जी ने ठगा। और 9 साल 2015 में नीतीश जी ने हमें आरक्षण दिया, और 9 साल एक बड़ा अवधि होता है। 9 साल में धीरे धीरे हम भूल गए कि तांती तत्वा क्या होता है, हम पान हो गए। और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है, और उस आदेश के आलोक को, उस आदेश के आड़ में नीतीश जी हमें पुनः तांती तत्वा बना देते हैं।
लेकिन ये 9 साल ये आदेश लागू करने से पहले नीतीश जी चाहते तो हमारे नेताओं से मिल सकते थे, हम लोगों से मिल सकते थे, रिव्यू पिटीशन डाल सकते थे। अगर वो रिव्यू पिटीशन डालते तो मामला डबल बेंच से ट्रिपल बेंच में जाता, कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ में जाता और हमारी सुनवाई हो सकती थी, दोबारा हो सकती थी। किसने गुनाह किया? तीसरा गुनाह नीतीश जी ने किया। और सबसे बड़ा गुनाह नीतीश जी ने किया कि हम प्राप्त हो चुके थे कि हम पान है तांती भूल गए थे, ये रिव्यू पिटीशन डालते थे सारी चीजें होती। अगर रिव्यू पिटीशन में ये जाते तो हमारे बच्चों को जो मेडिकल कॉलेज एडमिशन हो गया उसको निकाला नहीं जाता, उसको बेआबरू नहीं किया जाता। अगर ये रिव्यू पिटीशन डालते तो जो रिक्शा चलाने वाले बेटा सिपाही बन गया था, किसी की नौकरियां लग गई भावा इंस्टीट्यूट में, कहां कहां रेलवे में, बिहार सरकार के अन्य संस्थानों में वो नौकरियां बच जाती, किसने ज्यादा गुनाह किया? नीतीश जी ने। और ये नौ साल में गठबंधन इसकी भाजपा और नीतीश जी की सरकार थी, वो चाहती तो बिल के थ्रू जो कमियां थी वो पूरा कर सकती थी, नहीं किया। 9 साल तक हम एक छोटा सा काम डिलीशन के लिए दिल्ली पटना से दिल्ली जाता रहे, वहां भाजपा की सरकार थी। अगर भाजपा चाहती तो वो डिलीशन होता, जब डिलीशन होगा तो पार्लियामेंट के थ्रू होगा, जब डिलीशन होगा तो एडिशन भी होता। हमारा चौथा गुनाहगार कौन है? बीजेपी। तूने हमें कांग्रेस छोड़ा, ने राजद छोड़ा, ने जदयू छोड़ा, ने भाजपा छोड़ा, तो हम पहले पान है। हम कौन है? पहले हम पहले पान है, तब हम कांग्रेसी हैं, तब हम भाजपाई हैं, तब हम राजद के हैं, तब हम जदयू के हैं। हमें अपने पार्टियों के गुलामी छोड़नी होगी, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। मैं कांग्रेस का हूँ, लेकिन अगर कांग्रेस हमारी बात को, अगर सरकार बनती है और अगर कांग्रेस हमारी मांग नहीं मानती है तो आईपी गुप्ता का इस्तीफा कांग्रेस के चेहरे पे दे जमा लूंगा मैं। हम क्यों, हमारे किस, कौन सा दल है जो हमारे साथ दिया है? इसलिए हाँ कोरत हम पाने। दोस्तों, आपके पास एक ही ताकत होता है, वो ताकत है आपके वोट का, आपके एकता का। बेतिया और मोतिहारी मैं जब आता हूँ तो सारे लोग भाजपा को वोट देते हैं, जहां जाता हूँ सब भाजपा को वोट देते हैं। लेकिन भाजपा के लोगों ने अगर डिलीशन कर देता तो आपके वोट के कीमत समझता, वो आपका मान रखता। आपने यहाँ के विधायक एमएलए एमपी को भेजा है राज्यसभा विधानसभा, लेकिन एक छोटा सा काम वो डिलीशन नहीं करा सके। तो क्या हम झोला टांगने वाले नेता हैं? नहीं, हम पान हैं और अब हम में जान है जान। और हाँ कोरत हम पान ये सारे पार्टियों के लिए एक चुनौती खड़ा करेगा। 2025 का मुख्यमंत्री, 2025 का मुख्यमंत्री ये पान समाज तय करेगा कि कौन बनेगा, और हम उसी को बनाएंगे जो हमारा अधिकार देगा। पान समाज, वो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, बीजेपी हो, राजद हो, हम उसके साथ खड़ा होंगे जो पान समाज के साथ खड़ा होगा। हम कांग्रेस में हैं, लेकिन कांग्रेस में सीना ठोक के कहा है कि पहले हम पान हैं, बाद में कांग्रेसी हैं। हिम्मत जज्बा पैदा करो और कहो कि हम पान हैं, बाद में जदयू है। कहो हम पान हैं कि बाद में हम राजद हैं, बाद में भाजपाई है। जो हमारा हक को देगा हम पान समाज के साथ उसके साथ चल पड़ेंगे। हम किसी के नहीं है, जो हमारा होगा हम उसके हैं। दोस्तों, हाको रथ हम पान सिर्फ आरक्षण की बात से की नहीं है, ये आरक्षण की बात सिर्फ हम नहीं कर रहे। जब जेपी की आंदोलन नेता पैदा कर सकता है लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव, तो हाको रथ पान आंदोलन भी हर एक जिला में आईपी गुप्ता पैदा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अगर अन्ना की आंदोलन
केजरीवाल टीम को पैदा कर सकता है। केजरीवाल दिल्ली और भाजपा और पंजाब के सत्ता में बैठ के कानून बना सकता है। तो हाको रथ हम पान, पान का मुख्यमंत्री बना सकता है कि नहीं बना सकता है। हम केजरीवाल पैदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। महात्मा गांधी का सत्याग्रह का आंदोलन, जब अंग्रेजों को जो एक बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती पैदा करने करता था, मजबूर करता था, यहाँ का एक राजकुमार शुक्ल लखनऊ जाते हैं, वो एक समृद्ध किसान थे राम शुक्ल प्रसाद जी, उनको उन्होंने कोड़े खाए, 42 प्रकार के यहाँ के किसानों को टैक्सेस थे, वो गांधी जी से मिलने गए। गांधी जी ने उतना ध्यान नहीं दिया, कानपुर गए, कलकत्ता गए राजकुमार शुक्ल, और गांधी जी आए, और गांधी जी अंग्रेजों को यहां से नील के खेती करने वाले को भगाया, और उस आंदोलन से हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पैदा हुए, कृपलानी साहब पैदा हुए। तो क्या पान समाज में नेता पैदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये हाको रथ हम पान आपके लिए, हमारे लिए जीवन और मरण का सवाल है, एक तपस्या है। मैंने ये क्यों नहीं लगाया, मुखिया जी हमारे जिला अध्यक्ष नाराज हो रहे थे कि 5,000 रुपया और ज्यादा लग जाता इसमें लगा देते, तंबू तो लोग बैठ सकते थे। मैंने कहा कि कल जब मैं पटना से चला तो मैं बेतिया और मोतिहारी या फिर नरकटियागंज के एसी वाला रूम को नहीं चुना। मैंने वहां से फोन लगाया रक्सौल के उप प्रमुख शंभू दास जी को, प्रमुख साहब हम आपके घर में रहना चाहते हैं, हमारे टीम आपके घर में रहना चाहती है। एक ही कारण था, तपस्या में सुविधा नहीं होती। मैंने कल से तपस्या करना चालू किया, मैंने कहा था कि यहां भी टेंट नहीं लगेगा, वहां भी टेंट नहीं लगेगा। ये तपस्या है दोस्तों, ये अग्निपथ है, ये संघर्ष पथ है, ये लड़ाई है अपने बच्चों के लिए, अपने आरक्षण वापसी के लिए ये लड़ाई है। 75-78 वर्षों से हमने चूड़ियां बांध रखी है मानसिक गुलामी का, उसको उतारने का। हां को रथ हम पान है, पान समाज का नेता दरी बिछाएगा नहीं, टेंट नहीं लगाएगा, नेता बनेगा। हां को रथ हम पान नेता पैदा करेगा। हम वोट देने वाले नहीं बनेंगे सिर्फ, हमारा भी बेतिया में नेता होगा, और हम वोट देने वाले से वोट लेने वाले भी बनेंगे। ये हाको रथ हम पान उसका जवाब है। ये किसी संगठन का नहीं होता, ये अखिल भारतीय पान महासंघ का ये रथ नहीं है, ये बिहार महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी का रथ नहीं है, ये रथ बिहार के तमाम पान समाज का रथ है। जब तक नेताओं के करेजा पे चढ़ के वोट से दमोचिएगा नहीं, तब तक आरक्षण देगा। 75 बरस में हमारा मोतिया बेतिया या मोतिहारी में नगर परिषद का, नगर निगम का चेयरमैन भी बनने दिया आपको, विधायक प्रतिनिधि भी बने, एमपी प्रतिनिधि भी बने क्या? हां को रथ पान उन सारे नेताओं को एक जवाब है कि डियर नेताजी, पान समाज अब आ चुका है, ये मेरा वक्त है। सभी जातियों का उत्थान हुआ है बिहार में, इस बार पान उत्थान का समय आया है, और हम भी विधानसभा जाना चाहते हैं, हम भी लोकसभा जाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमें भी बुलाओ, हमें भी बिठाओ, हम भी तो देखें कानून कैसे बनाते हो, और कहां कहां वैसे कौन कौन से कानून ला जाते हो जिसकी तलवारें लंबी होती है और पान समाज के गर्दन उतार रहे हो तुम, हमें भी तो चलो, हमें भी तो ले चलो। इसलिए पान समाज सिर्फ आरक्षण वापसी की बात नहीं है, ये दिमाग में जो मानसिक गुलामी इन लोगों ने पैदा किया है। आखिर ऐसा क्या है
कि जब हम अपने नेताओं के पास जाते थे मेरी गर्दन झुक जाती है। ये वक्त कब आएगा जब पान समाज का एक नेता जाएगा और बोलेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हम पान समाज से हर यहां से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, दे रहे हैं टिकट के नहीं दे रहे। वो वक्त कब आएगा? दान शरीर हां को रथ हम पान है। अगर हम कुर्मी होते, अगर हम कुशवाहा होते, हम कोयरी होते, हम पासवान होते, हम सरकारी जात होते तो क्या नीतीश कुमार जी बिना बुलाए नोटिफिकेशन जारी करते? जी करते। अगर हम सरकारी जात होते तो उन्होंने किया, क्योंकि हम कमजोर जात है, हमने अपने आप को कमजोर बना के रखा है। हमारा गर्दन कब 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 उठेगा? हाँ को रथ हम पान है एक छोटी बात नहीं है, एक लंबा संघर्ष है ये, और बड़े काम के कोई शॉर्टकट रास्ते नहीं होते। संघर्ष जितना बड़ा होगा परिणाम भी उसका उतना बड़ा होता है। हमें लोग कहता था कि इसका ये हाको रथ पान बस चला पाएगा, हमने कहा कि सिर्फ बस ही नहीं, हम हेलीकॉप्टर भी उड़ाएंगे। और आरक्षण की लड़ाई नीचे नहीं ऊपर भी आसमानों में भी लड़ी जाएगी। इसलिए दोस्तों अभी थोड़ी देर में यहां से बस खुलेगी, हम बतौड़ा जाएंगे, बतौड़ा से रावरी होते हुए नरकटियागंज होते हुए हम चलेंगे साब्याचारा कहा जहां शिवालक महतो जी का घर है, हमारे अध्यक्ष जी का घर है, बस वहां रुकेगी और फिर 15 तारीख से चालू होगी जो कि दुर्गा पूजा का समय है। और उस दुर्गा पूजा में हम विधि व्यवस्था वाली बात होती है तो हम बस का परिचालन 15 तारीख तक, 14 तारीख तक रुका रहेगा और 15 तारीख को हम लोग चलेंगे। और पहली रैली हमारी 27 अक्टूबर 2024 को मोतिहारी में है, और उसमें मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, सिवान और छपरा एक क्लस्टर की भीड़ वहां आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको आरक्षण वापस मिले, अगर आप चाहते हैं कि हम भी अपने समाज में एक नेता पैदा कर सके, हर एक जिला में एक नेता पैदा हो, तो आइए हमारे साथ हाको रथ हम पान में। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी सरकार बैठ के बिना पूछे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी डिसीजन आपके 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 खिलाफ में ले ले, अगर ऐसा नहीं हो तो आइए मेरे साथ हाको रथ हम पान में। हमारी बच्चियों को, हमारे बेटों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, उनको निकाल दिया गया, भविष्य में आपके बच्चे भी जिसका एडमिशन हो जाता है मेडिकल कॉलेज में उसको निकाला नहीं जाए, इसलिए आइए हाको रथ हम पान में। समय बहुत है और बस का परिचालन अब होना है, उस बस का उद्घाटन इस जिला के जिला अध्यक्ष शिवालो महतो के द्वारा झंडा दिखाकर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैं आग्रह करता हूँ। तो आपने सुना कि इंजीनियर आईपी गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, मंच से खूब ललकारा है, सबने ठगा है, लेकिन अब ठगने वाले नहीं है, अब हम लोग जवाब देंगे, अब जवाब का समय है, हाको रथ हम पान है। तो साफ साफ कह दिया गया है अब 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री हम ही तय करेंगे। तो आपने सुना है किस तरीके से इंजीनियर आईपी गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, मंच से खूब ललकारा है, नीतीश तेजस्वी की टेंशन बढ़ने वाली है। बैठ रही लाइफ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।